मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं तुम्हारी शादी में मौजूद था गौरी। मैं वहां पे क्या कर रहा था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में मौजूद था। तुम्हारे पति की शक्ल मुझे याद नहीं आ रही। मैं तुम्हें पहले से जानता हूं और तुम्हारी शादी में रुद्र, तुम थे गौरी की शादी में। देखो रुद्र, अगर तुम ये जानते हो कि तुम गौरी की शादी में मौजूद थे तो तुम्हें ये भी पता होगा कि गौरी का पति कौन। रुद्र, क्यों मुझे याद आ रहा है, मैं गौरी को पहले से जानता हूं। मैं इसकी शादी में गया था। मैं मुझे पता नहीं मैं वहां पे क्या कर रहा था, लेकिन मुझे इसकी हस्बैंड की शक्ल याद नहीं आ रही। अब तुम्हें उसका चेहरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पीहू, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। वो रहा गौरी का पति। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, आई बुला रही है, चलो। ये देखो, किसे लेकर आया हूँ मैं, गौरी के पति को। देख क्या रहे हो, यही गौरी का पति है। हाँ, गौरी ने तुझे बताया था ना कि उसका पति मुंबई में काम करता है, तो यही चाहता था ना कि गौरी के पति को गौरी से तू ही मिलाए। तो ये ले, शंकर खुद आ गए हैं अपनी गौरी को लेने। तुमको समझ में नहीं आ रहा, मैंने नहीं जानती हूँ। नाराज है मुझसे, इसकी इस नाजुक हालत में मैं उसे अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वादा करता हूँ इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और देखो, ये इसे अपने किए पे पछतावा है और ये सब कुछ ठीक करने को तैयार है, तो देखो अब तुम जिद मत करो, प्लीज माफ कर दो इसे। चलो रुद्र, मियां बीवी की सुलह मैं कराता हूँ, चिंता मत कर। अरे गौरी, आज से तेरा नसीब मैं शंकर के साथ बांध रहा हूँ, समझी तू? ले चल गौरी, चल गौरी। अरे गौरी, राखिनी। क्यों हुआ राखिनी? चलो मेरे साथ। सूरज, देखिए यही है वो सबूत जो उस दिन मैं आपको दिखाना चाहती थी। पता नहीं अपने स्वार्थ के लिए कितने लड़कों को फंसा के रखा है इस लड़की ने। खबरदार, अगर लक्ष्मी पर हाथ उठाए सच सुनने में बुरा लग रहा है ना तुम्हें, आज इसकी वजह से तुम्हारी सच्चाई सामने आई है। क्या था वो? सूरज, जो हुआ भूल जाइए, घर चलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। हमें पता भी नहीं चलता और हम बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, और ऐसी ही एक बहुत बड़ी गलती मैं करने जा रहा था, लेकिन इनकी वजह से। गलती करने से पहले ही मुझे उस गलती का एहसास हो गया और मैं बच गया। लेटर, ये लेटर, लेकिन आप है कौन? आप जिस अनाथ आश्रम में बच्चा गोद लेने आई थी ना, मैं उसका मालिक हूँ, और इस लेटर के द्वारा मैं आपको आपकी पसंद का बच्चा गोद लेने की परमिशन दे रहा हूँ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन यकीन मानिए इसमें आपकी बहन की कोई गलती नहीं, कोई दोष नहीं उसका। और देखा जाए तो गलती आपसे ही हुई है ना, आप वो एबॉर्शन वाली बात छुपाती और ना ही ये बात
इतनी बढ़ती। खैर जो हो गया सो हो गया। थैंक यू ताई, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। I'm sorry।